अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले सीजन्स के बारे में। सीज़न में जो चेंजिंग आई हुई है, जो हमारे पास वॉइस पैक देखने को मिल रहे हैं नए वाले, और इसका जो परमानेंट टाइटल है हम किस तरह से ले सकते हैं, मैं सारा आप लोगों को बताऊँ। अगर तो इस सीजन में मैं कोई बात मिस कर देता हूँ तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी तो फिलहाल जो बात मुझे समझ में आ रही है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सिंपली हम सीज़न पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन आया हुआ मेमोरीज़ का, ठीक है। सिंपली हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा जो है ये वाली वॉइसेस देखने को मिल जाती है। तो ये वाली हम कलेक्ट किस तरह करेंगे, या कलेक्ट होगी या नहीं होगी, ये टाइटल किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। टाइटल का तो आप लोग परमानेंट आप लोग ले ही सकते हो, ये वॉइस का भी कन्फर्म नहीं है आप लोगों को, ये वॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसे रीड भी कर सकते हो। तो टाइटल का मैं आप लोगों को बता दूँ, टाइटल आप लोग किस तरह से लेते हो। सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कलेक्शन प्रोग्रेस, अभी मेरे यहाँ पर दो है, टोटल जो है 9 हो जाएंगे तो मुझे ये वाला जो है परमानेंट टाइटल मिल जाएगा, C1S3 हैश इनकाउंटर के नाम से ये वाला जो है टाइटल होने वाला है। तो ये वाला जो है जैक्स वॉइस पैक जो है सॉरी, आप लोग जैसे ही मिरर वर्ल्ड में जाओगे आप लोगों को ये वाला करैक्टर देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसके पास जाओगे, आप लोगों ने सिंपली इसे बात करनी है, तो आप लोग ये सेकंड वाला देख लो, आप लोगों ने दो दफ़ा और बात करनी है। पहला मिलाकर आप लोग ये टोटल जो है ये वाला 3 दफ़ा हो जाएगा, आप लोगों का ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये VI वॉइस पैक शायद इसे यही कहेंगे। तो उसके बाद आप लोग देख लो, मेरा ये वाला भी एक दफ़ा कम्प्लीट हो गया है, मैंने इससे भी एक दफ़ा जो है बात कर ली हुई है। तो अगर मैं इसे दो दफ़ा और बात करूँगा इसका भी मेरा जो है 3 दफ़ा कम्प्लीट हो जाएगा, और नीचे जो है मेरी कलेक्ट प्रोग्रेस और ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद चलते हैं, ये वाला करैक्टर मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आप लोगों ने ये वाला करैक्टर देखा हुआ है तो मुझे इसकी लोकेशन ज़रूर बताना नीचे कमेंट में, ताकि मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूँ, उनका भी पता चल सके और वो भी ये वाला परमानेंट टाइटल ले सकें। तो इसकी तो फिलहाल मुझे अभी तक ये लोकेशन वगैरह नहीं पता चलती। अगर आप लोगों को मिलेगा तो ये मिरर वर्ल्ड में मिलेगा, रैंगल में आप लोगों को ये वाली देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद आ जाता हमारे पास ये वाला गैजेट। ये वाला गैजेट भी मैंने यूज़ किया, अभी शायद कोई बग वगैरह चल रहा है इस वजह से जो है ये वाला कलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप लोग वहाँ पर जाओ मिरर वर्ल्ड में कॉइंस वगैरह इकट्ठे करके 20 कॉइंस से आप लोगों को ये वाला मिल रहा है गैजेट। इससे मिलेगा क्या आप लोगों को, जब आप लोग ये वाला यूज़ कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो हेल्थ इंक्रीज़ होती रहती है। अगर आप लोगों को एनिमीज वगैरह मारता है तो आप लोगों की हेल्थ को, मतलब आप लोगों को किट वगैरह या एनर्जी ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं होती, ये खुद बहुत जो है आपकी हेल्थ रिकवर कर देता है। तो सिर्फ आप लोगों ने एक दफ़ा इसे यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने इसे यूज़ किया अभी तक ये वाला जो है नहीं आया, शायद से कोई बग है इस वजह से। और ये लास्ट वाले जो दो मिशन है ये वाले आप लोगों का खुद से आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये पूरा सर्वर जो है जितना वो कंप्लीट करेगा तो फिर आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर 50% ये होगा तो आप लोगों का ये बार पर्पल क्यूब के नाम से ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग देखो यहाँ पर 100% हो जाएगा तो ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह करना है, अगर आप लोग यहाँ पर गो पे क्लिक करो तो यहाँ पे सर्वर प्रोग्रेस मेरी 21 चल रही है, ठीक है। जितने भी लोग की है, ये जितने भी लोग खेल रहे हैं सारों की यहाँ पे सर्विस प्रोग्राम बता रहे हैं, जैसे सब लोगों की यहाँ पे मिलकर सर्वर प्रोग्रेस 50% हो जाएगी तो आप लोगों को वो वाला क्यूब वो वाला अनलॉक हो जाएगा, आप लोगों को वो मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही 100 होती है तो आप लोगों को यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। में आप लोगों का नहीं है, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते, ये पूरा सर्वर के हाथ में है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पूरे सर्वर जितने भी लोग खेल रहे हैं सारों का ये वाला कंप्लीट होगा तो फिर ये आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो उसके अलावा ये वाला जो डेली कलेक्शन है ये वाले मिशन के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ कि ये किस तरह कम्प्लीट करना, क्या इससे फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं। तो यार ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसमें कोई पार्ट वगैरह मिस करता हूँ तो ज़रूर इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी और आप लोगों को मैं डिटेल के साथ सारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो यार ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।